अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमारा पहला रमज़ान है और हम सभी पहले रमज़ान की शुरुआत इस दुआ से करते हैं कि ऐ मेरे रब, मुझे माफ़ कर दे और मुझ पर रहम फरमा, और तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। तो ये हमारी पहली सहरी थी और हमें सहरी लेने जाना होता है किचन में, तो हम वही जा रहे थे। तो आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे में सहरी में हमें मिलने वाला था पराठा, सब्ज़ी और मिल्क पैकेट। और मिल्क पैकेट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था कि एक पैकेट दो लोग को मिलेगा और वो दो लोग शेयर करेंगे, क्योंकि इस वक्त मेरे पास कोई है नहीं फ्रेंड्स पेयर करने के लिए, तो मुझे ऐसे ही कप में मिल गया था इंडिविजुअल। और पता नहीं क्यों पहला दिन था तो कुछ खाया नहीं जा रहा था, दूध तो नहीं पिया जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि कैंटीन पे मैं ले गई मैं कि भाई इसका कुछ बना दें। उन्होंने खजूर शेक बना के दे दिया और बहुत अच्छा लगा वो। तो फिर एट द एंड, क्योंकि बस 1 घंटा मैं सोई थी तो ज़रूरी था, सुबह लैब भी जाना था, अलार्म तो लगाया लेकिन आँख खुली सुबह के 11 बजे, और फिर भागते भागते लैब गई। मतलब पता था आज का दिन कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब लैब सिर्फ 2:30 बजे तक ही ओपन रहेगी, उसके बाद सब बंद हो जाएगा एमयू में। जो मेन काम था वो तो इतनी एक शॉर्ट टाइमिंग में नहीं हो पाता, तो मैंने कुछ और काम कर लिया उसके बदले, और सोचा है कि नेक्स्ट डे मैं ज़रूर 8 बजे मर जी के कैसे भी उठ के आऊँगी ताकि कंप्लीट करूँ। और मेरा यहाँ बिल्कुल दिल नहीं लग रहा, इसलिए मुझे घर भागना है, तो मैं अपना काम फटाफट ख़त्म करूँ। फिर मैं और शबी लैब से निकल गए क्योंकि टाइम खत्म हो चुका था और लैब बंद होने वाली थी। किसी ने ग्रुप में ये पीडीएफ भेजा जो कि बहुत अच्छी लगी मुझे, सारी दुआएं एक साथ कंपाइल की हुई थी और रोज़ पढ़ें ताकि एक चेकलिस्ट की तरह थी। तो मैंने पीडीएफ अपने डिस्क्रिप्शन में लगाई है, अगर जिसको देखना हो ले सकता है। मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि हम भूल जाते हैं हमें क्या क्या तस्बीह करनी है, तो ये सारी एक साइड है, हम देख कर चेक कर सकते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या पढ़ना बाकी है। और फिर अचानक मेरी आँख लग गई और देखा कि बस 25 मिनट बचा है। मैंने जल्दी जल्दी शरबत बनाना था क्योंकि हॉस्टल वाला शरबत अच्छा नहीं लगता मुझे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मुझे पहले से चीनी और पानी को रख देना चाहिए था ताकि वो मेल्ट हो जाए, लेकिन इतने कम टाइम पे मुझे नहीं लगता ये होगा, पर फिर भी मैंने टैंक बनाया और ये मेरी अफ्तार रेडी हो गई। आई होप मेरा पेट भर जाए इससे। और ये हमें इफ्तार में मिला था हॉस्टल में, बनाना, खजूर, सॉस, पकौड़े और छोले। शरबत भी मिलता है, वो मैंने लिया नहीं था, खुद से बनाया था। तो अब हो गया था और मैंने भर भर के इम्पॉसिबल दुआएं मांगी अल्लाह ताला से ताकि मेरे सारे काम हो जाए इंशाल्लाह। ये देखें इस पकौड़े के अंदर की स्टफिंग, इसमें आलू भरे हुए हैं। ये साइलेंस देखो रूम में, ये नहीं पसंद मुझे बिल्कुल भी। फिर ये बच गया था, इसे खाया नहीं जा रहा था, फिर मैं सोची लाओ इसको ख़त्म करें छोले को,
और यही सब करते करते 7 बज गए। 1 घंटे बाद तरावी थी और मैंने एक नींद मार ली ताकि मुझे एनर्जी मिले। और फिर हम तरावी के लिए गए, पानी ले लिया, जा नमाज ले ली और चल दिए। फिर तरावी के बाद लास्ट में होती है वित्र, पढ़ाते हैं। तो वित्र कुछ लोग प्रीफर करते हैं अभी पढ़ना और कुछ लोग तहज्जुद के टाइम पढ़ते हैं, तो इट्स टोटली अप टू यू, जब आप चाहें। तो मैं भी तरावी पढ़ के चली गई। ये बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है कि आप इसी वक्त पढ़े, फ़ौरन पढ़ें। आप तहज्जुद में उठ सकते हैं तो तब पढ़ लें, वो ज़्यादा, वो भी अच्छा होगा, ज़्यादा कम कुछ भी नहीं, बल्कि बोथ आर बेस्ट। और अगर मैं कहीं गलत होंगी तो प्लीज़ गाइड करना, क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ और सीखती रहूँगी। सीखना इज़ अ लाइफ टाइम प्रोसेस। मेरा पर्सनली मानना है कि इबादत हमेशा हिडन होनी चाहिए। तो यहाँ बिल्कुल मकसद नहीं है कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ कि मैं पढ़ रही हूँ या सामने वाला पढ़ रहा है, बल्कि ये एक हॉस्टल का इन्वायरमेंट है हमारा, कि ये चीज़ें होती हैं ताकि लोग देखें कि यहाँ ऐसा भी माहौल है। तो लंच में आज हमें मिला था सब्जी, रोटी, राजमा, चावल, जो कि सही था, अल्हम्दुलिल्लाह मस्त था। फिर खाने के बाद हम टहलने गए, क्योंकि और वहाँ पे इतनी अच्छी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, अच्छा लग रहा था। ज़्यादा नहीं टहली क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं बची थी, तो थोड़ा बहुत किया। फिर वापस आ गई मैं रूम पे और ऐसे करते करते 10 बज चुके थे। सो इतना ही आज के लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।